राज्य सरकार द्वारा बुलढाणा के लिए स्वीकृत सरकारी कृषि महाविद्यालय के नाम को लेकर बुलढाणा में शिवसेना और भाजपा के पूर्व विधायकों में खींचातानी चल रही है। विश्वसनीयता की यह लड़ाई शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ और पूर्व बीजेपी नेता विजयराव शिंदे के बीच शुरू है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय आकुला के तहत बुलढाणा में एक नया सरकारी कृषि कॉलेज स्थापित करने और इस सरकारी कृषि कॉलेज का नाम राज्य के पूर्व कृषि मंत्री दिवंगत नेता बाबूसाहेब फुंडकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। बीजेपी नेता पूर्व विधायक विजयराज शिंदे ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के लिए धन्यवाद दिया। बुलढाणा में नए सरकार कृषि महाविद्यालय का नाम पूर्व कृषि मंत्री दिवंगत नेता भाऊसाहेब फुंडकर के नाम पर रखे जाने पर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने विरोध जताया है और कहा कि वह कृषि महाविद्यालय का नाम धर्मवीर छत्रपति संभाजी के नाम पर रखने के संबंध में कैबिनेट के फैसले को बदल देंगे। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि मुझे दिवंगत नेता भाऊसाहेब फुंडकर के नाम पर कोई भी आपत्ति नहीं है और मैं उनका सम्मान करता हूँ। इस बीच शिवसेना और बीजेपी दोनों विधायक दावा कर रहे हैं कि मैं इस सरकार में कृषि कॉलेज को बुलढाणा में लाया हूँ। नमस्कार, बुलढाणा जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झालं पाहिजे, शासकीय कृषी महाविद्यालय झालं पाहिजे यासाठी गेल्या 10-12 वर्षापासून मी सतत प्रयत्नशील होतो। एकनाथराव खडसे पालकमंत्री असताना या मागणीला जोर आला आणि त्यांनी कृषी महाविद्यालय मंजूर होईल अशा प्रकारची घोषणा केली। त्यानंतर 2018 साली मी स्वतः राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना भेटून भाऊसाहेब फुंडकरांचं नाव या कृषी महाविद्यालयाला दिलं गेलं पाहिजे ही आग्रही मागणी धरली। जिल्ह्याचे पहिले कृषी मंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब फुंडकर यांचा कार्य या जिल्ह्याच्या सामाजिक राजकीय आणि विकासात्मक अशा सर्वांगीण दृष्टीने असल्यामुळे त्यांचं नाव माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्री यांनी कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन या जिल्ह्याच्या पहिल्या शासकीय कृषी महाविद्यालयाला पहिल्या कृषीमंत्र्यांचं नाव दिल्याबद्दल मी मनस्वी त्यांचे आभार मानतो, धन्यवाद देतो आणि असंच प्रेम त्यांनी आमच्या जिल्ह्यावर ठेवावं अशी मागणी करतो। NBC News के लिए अक्षांत सारी की रिपोर्ट।